नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रेशमी विद्या फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। उसे जरूर देखें और देखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा रेसिपी और मेरा पूरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। तो आज मैं आपके सामने यमी यमी सी कुछ नए अंदाज से घुगने की रेसिपी बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। वैसे तो ये एक ऐसी रेसिपी है जो शायद ही किसी के घर में नहीं बनती होगी। सबका अपना अपना बनाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए। मैं इतने दावे के साथ बोल रही हूँ कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। तो बस जो कुछ भी मैं प्रोसेस बताऊँगी और प्रोसेस में छोटे मोटे से टिप्स होंगे, उसे वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखें, तभी आप इस रेसिपी को इजीली समझ लेंगे। तो इस रेसिपी को घर पर बनाकर मुझे अपने फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम मटर लिया है, इसे वॉश करके पानी में ओवरनाइट ड्रिप करके रख दे। अगर आपको जल्दी है तो गर्म पानी में ड्रिप करें, 4 से 5 घंटा के लिए केवल, उसी में ये फूल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को मैंने पहले से ही करके रख दिया था। ये देखिए मटर फूल चुके हैं और इसके सारे पानी को मैंने ड्रेन कर दिया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले घुगने को प्रेशर कुकर में डालें और इसके साथ ही 1 ग्लास पानी डालें, या पानी की क्वांटिटी इतना लें कि घुगनी इसमें अच्छे तरीके से डूब जाए, और साथ ही स्वाद अनुसार नमक भी डाल दें। और ढक्कन को बंद कर हाई फ्लेम में 1 सीटी बजाए और मीडियम फ्लेम में 3 से 4 सीटी बजाए, या फिर यूँ कह सकते कि जब तक घुगनी अच्छे तरीके से गल ना जाए उतना सीटी बजाए। और जब कुकर का सारा वेपर नेचुरली रिलीज हो जाए तो ढक्कन को आहिस्ते से खोले। घुगनी अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, तो चलिए मैं चेक करके दिखा दे रही हूँ। देखिए एक एक दाना बढ़िया कुक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब कढ़ाई में सबसे पहले 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालें और गरम कर लें। और जब ऑयल गरम हो जाए तो फ्लेम को मीडियम करके इसमें 1 तेज़पत्ता डालें, 2 खड़ा लाल मिर्च डालें और 1 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट कर डालें, और लगातार मीडियम फ्लेम में चलाते हुए हल्का सा फ्राई करें। और जब प्याज इस तरीके से लाइट फ्राई हो जाए तो 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन डालें और 1 टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक डालें, और अब लगातार मीडियम फ्लेम में चलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से फ्राई करें। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ टमाटर डालें। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। वो क्या है ना फ्रेंड्स, टमाटर को डालते वक्त वीडियो गलती से ऑन नहीं हुआ, इसलिए ये स्किप हो गया है। और अब मिक्स करके इसमें एक एक करके 1/4 टीस्पून छोला मसाला डालें। ये मैं गोल्डी का छोला मसाला ली हूँ, कोशिश कीजिए कि यही ब्रांड का छोला मसाला पाउडर डालें। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें, ये मैं रंग के लिए डाल रही हूँ, आप तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। और 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से फ्राई करें। आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, मसाले से ऑयल सेपरेट होने लगा है। मसालों को फ्राई करते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था, जिससे कि मसाले नीचे से जले ना। तो आप इस टिप्स को ज़रूर से फॉलो करें। तो अब इसमें बॉयल्ड घुगनी को डालें
और मिक्स करें, और मिक्स करते हुए इसमें एक गिलास के लगभग पानी भी डाल दें, या आप अपने अंदाज से पानी डालें। पानी को डालते वक्त भी वीडियो गलती से सूट नहीं हो पाया है, इसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो अब इसे अगेन मिक्स कर एक उबाल आने तक का इंतज़ार करें। ग्रेवी में उबाल आ चुका है, तो अब इसे मिक्स करें और मीडियम फ्लेम में लगातार 10 मिनट तक कुक करें, या यूँ कह सकते हैं कि जब तक ग्रेवी थिक ना हो जाए तब तक कुक करें। और हाँ फ्रेंड्स, बीच बीच में चलाते भी रहना है, नहीं तो ये तली में चिपक जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि घुघनी काफ़ी थिक हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा थिक, और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल, और भी ज़्यादा क्रीमी लुकिंग का हो जाता है। तो अब फ्लेम को ऑफ कर इसे बिल्कुल से ठंडा नहीं करना है, बस गुनगुना होने तक का इंतज़ार करना है। वाओ, तो अब आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल, थिक और क्रीमी हो गया है ना। तो बस अब इसे अगेन चलाकर सर्व कर लें। मैं कुछ इसे एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा टेम्पटिंग बनाना चाहती हूँ, तो इसमें कुछ ऐड करूँगी। तो इसके लिए ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें, बारीक कटी हुई प्याज स्प्रिंकल करें, और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी स्प्रिंकल कर दें। तो आपके सामने सुपर यम्मी घुघनी की रेसिपी सर्व होके रेडी हो चुका है। वैसे तो इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन में आप रोटी पूरी पराठा के साथ इसे खा सकते हैं। यकीन मानिए आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को घर पर बनाकर फैमिली के साथ एंजॉय करें, घर पर आए स्पेशल मेहमानों को सर्व करें, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।